सड़क सुरक्षा के बहाने जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। टेढ़ी पुलिया चौराहा सहित कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। जांच के दौरान बिना हेलमेट वाले बाइक सवार का चालान काटने के साथ साथ हेलमेट पहनकर सुरक्षित ड्राइव करने का सुझाव भी दिया गया। बता दें कि सड़क दुर्घटना की बड़ी वारदातों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बराबर ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन से लेकर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और जूते का प्रयोग कर रहा है या नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण इत्यादि चेक किया गया। जांच में 2 गाड़ियां सीज की गई और 100 से ज्यादा चालान किए गए और अधिक गाड़ियों को पकड़कर 5,000 रुपए समन शुल्क वसूला गया। वहीं SIT अभिषेक सिंह व TSI रामविलास यादव, सिपाही प्रमोद यादव व कई ट्रैफिक के सिपाही सहित चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क दुर्घटना की बड़ी वारदातों में ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार ही होते हैं। ये लोग हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है, इसलिए जुर्माना लेकर हेलमेट पहनने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस तरह का चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट पहने पकड़े जाने पर स्टैंडिंग ऑर्डर 500 रुपए और हेलमेट का 100 रुपए से 300 रुपए तक है। इसके अलावा प्रदूषण का 1,000 रुपए, बिना इंश्योरेंस का 1,000 और बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी का 5,000 रुपए जुर्माना है। बहरहाल आवाम को समझना चाहिए कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाना खुद को सुरक्षित रखना है, पर देखने की बात यह है कि चेकिंग अभियान को देखते ही पब्लिक ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया है।